सीआईडी से 4.50 करोड़ रुपए के रेल टिकट बुक करने के मामले में सूरत उमरा पुलिस ने एकता ट्रैवल्स के रेलवे टिकट बुकिंग और सॉफ्टवेयर सप्लाई करने वाले आरोपी राजू को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 6 लैपटॉप में टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और प्रत्येक सॉफ्टवेयर के लिए कुल 30,000 रुपये लिए। इतना ही नहीं, वह किराए के तौर पर प्रतिमाह 1,000 की रकम भी वसूलता था। सूरत शहर में एकता ट्रैवल्स के राजेश मित्तल के यहाँ विजिलेंस टीम ने छापा मारकर सॉफ्टवेयर की मदद से IRCTC के वेरिफिकेशन और सुरक्षा सिस्टम को दरकिनार कर थोक में कंफर्म टिकट बुक करने के घोटाले को अंजाम दिया है। स्थानीय पुलिस के साथ विजिलेंस की टीम ने राजेश मित्तल के घर पर छापा मारा और कुल 973 फर्जी ID, 5 लैपटॉप और 5 हाई स्पीड राउटर जब्त किए। विजिलेंस टीम को नेक्सेस और गदर नाम के 2 सॉफ्टवेयर भी मिले। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी राजेश मित्तल ने 8 सॉफ्टवेयर की मदद से अब तक 4.50 करोड़ रुपए की ई टिकट बुक किए थे। उमरा पुलिस ने इस संबंध में आगे की जांच की। राजेश मित्तल को यह सॉफ्टवेयर सप्लाई करने वाले राजू पंडित को उमरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। संवाददाता शोनाथ सिरसाट, BHP न्यूज़, सूरत।